थाना ट्रांसिट कैंप क्षेत्र में एक सुनार की दुकान से लाखों के सोनी चांदी के जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जनपद रोड वनखंडी कॉलोनी निवासी राजेश रस्तोगी के घर के ग्राउंड फ्लोर में अल्मोड़ा पहाड़ी सुनार नाम से दुकान है। राजेश रस्तोगी खाटू श्याम गए हुए हैं। घर पर उनका पुत्र प्रांजल रस्तोगी ही अकेला था। प्रांजल ने पुलिस को ही तहरीर में बताया कि जब वो सुबह सोकर उठा तो उसने दुकान का मुख्य गेट खोला तो अंदर अलमारी खुली हुई थी। अलमारी के साथ ही दुकान में रखी 15 किलो चांदी और आधा किलो सोने के जेवरात सहित 5 लाख रुपए की नकदी भी गायब थी। सुनार की दुकान से लगभग 60 लाख रुपए के सामान चोरी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। चोरी की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की जांच भी शुरू कर दी। जनपद रोड जो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में है, अल्मोड़ा पहाड़ी सुनार की दुकान पर चोरी का मामला सामने आया था। जो दुकान के मालिक है उनके बेटे द्वारा ये शिकायत की गई थी और ये बताया गया था कि 26 की रात को उनकी दुकान में किसी ने चोरी की, जिसमें करीब 50,000 उन्होंने नकद बताया और इसके साथ साथ सोने और चांदी की ज्वेलरी के बारे में बताया गया। शिकायत प्राप्त होती तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची, वहां पर हमने पूरा मौका मुआयना किया। इसके साथ हमने जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उनको भी बुलाया था, उनके साथ हमने पूरे मौके तलाशी ली। उसके साथ साथ जो भी फिंगरप्रिंट्स एवं अन्य चीज़ें थी वहाँ पर उनकी जानकारी ली गई। साथ में जो दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे हमने उनका अवलोकन किया और साथ में जो आसपास दुकानों में और जो सारे रास्तों के कैमरे हैं उनके भी सीसीटीवी देखकर हमारी टीमों द्वारा भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ एफआईआर में जो वादी है उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि उसी दिन शाम को उनकी दुकान में रेनोवेशन के काम के चलते कुछ लोग काम करने आए थे, जैसे इलेक्ट्रीशियन या सीसीटीवी फिटिंग के लिए, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी दी गई है। इन सभी जो भी एस्पेक्ट्स हैं इन सभी पर पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है और जल्दी हमें उम्मीद है कि इस मामले में हमें सफलता प्राप्त होगी।